सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन करने बात के लिए। थैंक यू सो मच। क्या फील कर रहे हैं आप इसको? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ गंदी बात करके। एंड एक हमेशा होता है कि यू नो, जब आपकी सीरीज़ इतनी अप्रिशिएट होती है, आपकी स्टोरी इतनी अप्रिशिएट होती है, आपकी एक्टिंग, क्योंकि मैं इस फील्ड से हूँ तो जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं एक्टर्स हैं जिन्होंने देखा, लाइक किया, जिनके कमेंट्स आए कि लिसन यू हैव डन अ गुड जॉब, तो वो बहुत एक अच्छा फीलिंग होता है। एंड आई थिंक हर एक्टर वो एक मोमेंट के लिए वेट करता है, वो एक कहानी के लिए वेट करता है, जब आपके खुद के लोग एंड बहुत सारे और लोग जो शायद आप आज तक आपको नहीं जानते थे कि आप एक्टिंग कर रहे हो या क्या कर रहे हो, वो अप्रिशिएट करें। आई थिंक स्त्री के टाइम पे लोगों को ये बड़ी शिकायत थी कि अरे तुम्हारी शक्ल तो दिखी नहीं, तो गंदी बात में मेरे वो सारी शिकायतें दूर कर दी। अब ऐसा कुछ बचा नहीं है कि आप मुझे बोल सके कि यार ये दिखा नहीं, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लग रहा है। एज एन एक्टर जो एक अप्रिसिएशन आई थिंक सबसे ज़्यादा जिसकी मैं कदर करती हूँ, क्योंकि आई थिंक आप बोल्ड सीन्स कर सकते हो, पर उसके बाद एक लोगों को ये होना कि हाँ यार ये चुड़ैल भी कर सकती है, जहाँ ये गंदी दिख रही है और मतलब शक्ल बहुत भयानक है, ये एक लेस्बियन सीन भी कर सकती है, ये बोल्ड भी कर सकती है और सब कुछ बिलीवेबल कर सकती है, तो वो बहुत अच्छी वाली फीलिंग। यस, यू नो, मुझे कॉमेडीज में एज एन ऑडियंस अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे कॉमेडी और थ्रिल, ये दो वाले जो सब्जेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा पसंद है। और कॉमेडी मैंने इससे पहले किया था, मेड इन इंडिया करके एक वेब सीरीज़ थी जो बहुत पॉपुलर हुई थी वेब, यू नो, व्हाट्सएप्स पे। तो उसके बाद अगर मैं कॉमेडी, आई थिंक उसके बाद मैंने मूवीज़ में तो कॉमेडी एक ये स्त्री थी, जहाँ मैं तो खैर कॉमेडी नहीं कर रही थी, पर फिल्म कॉमेडी थी। यस, अभी फ्रॉड सैया है जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं ऐसा जेन्युइनली मानती हूँ कि जब एक ऑडियंस, मैं भी हूँ, अगर मैं अगर पैसे देके एक फिल्म देखने जा रही हूँ तो जब मैं वो थिएटर से बाहर निकलूँ, यार मेरे को वो 2-2.5 घंटे जो मैंने वो फिल्म थिएटर में बिताए हैं, मेरे को हंस के बाहर निकलना है, मेरे को यू नो इतना हंसना है कि मैं अपना सारा टेंशन वगैरह भूल जाऊं। और ऑल्सो जब मैं थिएटर से बाहर निकलूं, एक मैसेज कुछ तो सीख के निकलूं, तो स्त्री में भी वही था, हमने सीखा कि औरतों की रिस्पेक्ट करो, उनको प्यार और इज्जत दो। और फ्रॉड सैया में भी एक मैसेज है, क्योंकि ये रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, जहाँ एक आदमी था जिसकी बहुत सारी बीवियाँ थी, तो एंड में उसका क्या होता है और लोगों को ये बताया भाई एक ही को दिल दें, अपने आप को यू नो इतना टैक्स मत कीजिए, क्योंकि उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। कुछ मैसेज मिलेगा फिल्म के थ्रू एंड में, बिल्कुल बिल्कुल, स्पेशली उन लड़कों लड़कियां जो बिलीव करती हैं कि यार एक से मोहब्बत होगी तो हजारों का क्या होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, एक को ही आप प्रॉपरली प्यार कर दो, आपको आपकी दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी। मेरा कैरेक्टर का नाम, आई एम प्लेइंग अरशद वारसी की वन ऑफ द वाइव्स, जो बहुत डम भी है और जो शायद थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि मेरी शक्ल से ना वो डम पता नहीं आ रहा था कि नहीं, बट मेरा ब्रीफ ये था कि वो थोड़ी सी डम है और बहुत गिविंग भी है, वो आसानी से मान जाती है, बिकॉज़ आई थिंक उनकी सारी बीवियाँ जो इसमें हैं, इस मूवी में सारी ही डम हैं, क्योंकि वो हर किसी को धोखा देने में कामयाब रहते हैं। तो वो एक बहुत ब्यूटीफुल पार्ट है मूवी का, कि कैसे एक इंसान स्ट्रीट स्मार्ट नहीं, स्मूथ टॉकर हो सकता है, कि वो इतनी सारी लड़कियों को एक टाइम पे बेवकूफ़ बना रहा है और उनसे शादियाँ कर रहा है। यहाँ तो गर्लफ्रेंड तक यू नो लोग बनाने में इतनी सारी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, पकड़े जाते हैं, पर वो तो इतनी सारी बीवियाँ लीगल वाइज लेके चल रहा है। हाँ, क्योंकि उसमें मैं फ्रॉड कर रही हूँ इतने लोगों के साथ, बट वहाँ पे उल्टा है, मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, देखो क्या लाइफ है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो या ओके, ये फिल्म चूज करने के पीछे कुछ खास वजह, क्योंकि आप जो भी प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली जो भी प्रोजेक्ट ले रहे हैं ना, कुछ ना कुछ अलग हो रहा है, डिफरेंट है, नहीं, मैं मानती हूँ एज एन एक्टर मैं वो स्टेज पे नहीं पहुँची कि मैं अपने रोल सिलेक्ट कर सकूँ, मैं बस लकी हूँ कि मुझे
ऐसे ऐसे टाइम पे ऐसे ऐसे फिल्में मिल गई जो अभी बहुत ही अच्छा कर रही हैं, जिसकी वजह से मुझे, पर मैंने ऐसे ना कभी सोचा था ना। स्त्री के टाइम में तो हम कोई भी रेडी नहीं था, इवन गंदी बात में हमने मतलब सीजन 1 ने बहुत अच्छा किया था, बट सीजन 2 इतना अच्छा करेगा तो ये हम में से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो मेरे ख्याल से जस्ट गॉड हैज़ बीन काइंड। मैं सिर्फ अपना काम जो उस टाइम कर रही थी वो ही अब कर रही हूँ, और सिर्फ ये एक होप थी कि यार इतनी मेहनत जब आप करते हैं और इतने टाइम से हैं तो वो अप्रिशिएट हो, वो एक फेम जो आपको मिलना चाहिए वो मिले इतना काम करके, विच आई थिंक विच इज़ अ मैसेज एक्चुअली टू अ लॉट ऑफ एक्टर्स कि कभी भी डोंट गिव अप। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझसे पूछा, और शायद मुझे भी उनको किसी टाइम पे पूछा होगा, यार मेरा कुछ होगा क्या, और हमारे आंसर्स एक दूसरे को ये होते थे, यार अगर भगवान तुम्हें थोड़ा थोड़ा भी दे रहा है ना, चाहे वो एड्स हो चाहे कुछ भी है, उनका कुछ प्लान है। नहीं तो जब मैंने एक्टिंग कोर्स अपना ज्वाइन किया था, कितने लोग थे मुझसे अच्छे, बहुत अच्छे एक्टर्स, जो उन्होंने बहुत कोशिश की, बाहर से आए थे कि यहाँ पे रह के गुरुद्वारे में ठहरे कि हम एक्टिंग हमारा पैशन है हम करेंगे, काम नहीं मिला। तो 3, 4, 6 महीना उन्होंने बेचारों ने गुजारा, पर वो वापस घर गए क्योंकि काम नहीं मिला। बहुत बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट, मैं लक से ज़्यादा मानती हूँ डेस्टिनी को, और वो कभी भी, सो पॉइंट इज़ कि आपको अगर छोटा छोटा काम भी मिल रहा है ना, वो आपको अपनी डेस्टिनी की तरफ ले जा रहा है। तो कभी भी गिव अप मत कीजिए, हर एक काम आपको आपके स्किल को थोड़ा और एनहेंस करता है, आपको उतने ज़्यादा लोगों से मिलवाता है, और छोटा छोटा करके ही अगर आप ऊपर जाएं तो मज़ा भी उसका है, क्योंकि आप हम्बल रहेंगे, आपको पता है कि आपने क्या स्ट्रगल्स देखी हैं, और इट चेंजेस यू, इट मेक्स यू अ बेटर पर्सन। अर्शद वारसी का नाम आता तो ऑटोमेटिक स्माइल आ जाती है मैम फेस पे, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, क्या कॉमिक टाइमिंग है। इवन जब वो सेट पे आते हैं तो आप अगर इधर भी सीन दे रहे हैं, आपको पता है कुछ एक स्पार्क ऑफ एनर्जी एंटर करिए रूम में, और बहुत इवन जो उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, कोई भी आप सीन कर रहे हो, जैसे हम बीच में एक सीन में अटके तो वो रुके, थोड़ा सोचा उन्होंने, फिर बोले अरे तुम्हें पता है वो फिल्म में ये एक्टर्स थे, ये सीन था, ये डायलॉग, हम बोले कैसे याद रहता है इसने मुझे, मैं फिल्में बहुत देखता हूँ, मुझे सारी फिल्मों के सारे कैरेक्टर्स याद रहते हैं, एंड बहुत मज़ा आता है। एंड उनके साथ एक और चीज़ था, क्योंकि मैं थोड़ी न्यू थी उस टाइम, ये 4 साल पहले हमने ये फिल्म शूट की थी, तो आपको एक डर रहता है क्योंकि अरशद वारसी वॉज अरशद वारसी, ही स्टिल इज़ दी अरशद वारसी। तो एंड वो जो मेरे सीन्स थे उनके साथ उस टाइम, इट इज़ अबाउट 2 ही लोग हैं उस सीन में, सो इट्स अ गिव एंड टेक। इतना उन्होंने वो सीन को संभाला है मेरे ख्याल से, या मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं तुम ऐसा करो ऐसा करो हम ऐसा करते हैं। तो वो जो एक होता ना एक्टर का सेल्फलेसनेस, कि वो हमारा सीन है, तुम्हारा मेरा नहीं है, इट्स आर सीन, और हमारा सीन अच्छा आना चाहिए, आई थिंक वो मैंने उनसे सीखा है, और मुझे तो बहुत मज़ा आया क्योंकि ही इज़ अ किंग ऑफ कॉमेडी। काफ़ी लंबा होता है जी, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, पर आई थिंक वो एक सेक्शन 377 या कुछ एक सेक्शन का रूलिंग की वजह से वी कुड नॉट रिलीज़, ऐसा मैंने पढ़ा न्यूज़ में, मुझे रियल रीज़न नहीं मालूम, बट आई एम सो हैप्पी कि आज फिल्म रिलीज़ हो रही है, एंड मोस्ट हैप्पी फॉर आर प्रोड्यूसर दिशा झा, जो प्रकाश काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी करें, ये बोल सकते हैं सॉन्ग की बात ले जाए, ट्रेलर की बात किया जाए, जी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है ना, इसके लिए अच्छी बात है। मुझे आई थिंक अभी जितनी भी फिल्म्स रिलीज़ हुई हैं लास्ट वीक, वो उरी हो, एक्सीडेंशियल प्राइम मिनिस्टर हो, वो थोड़ी सीरियस सीरियस जोन की फिल्म्स हैं, तो एक कॉमेडी फिल्म तो बहुत एज अ ब्रेक रिक्वायर्ड है। एंड पता है मोस्ट सारे इंडिया में जो आदमी होते हैं उनको अपनी बीवियों के ऊपर जोक करना बहुत पसंद है, सो ये उन्हीं के लिए बनी है, इट्स अ फैमिली एंटरटेनर एंड बहुत मज़ेदार फिल्म है। जी कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप हुई है इस साल या पिछले साल के लिए, लेकिन छोटी छोटी फिल्म कंटेंट, जो फिल्म कंटेंट दे रही है वो फिल्म चल रही है, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए मैम? अब लोगों को समझ में आ गया, हम ये बोल सकते हैं कि अब एक्टर पे डिपेंड नहीं रहते, सिर्फ अब लोगों को कॉन्टेंट चाहिए, स्टोरी चाहिए, हम ये बोल सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत टाइम लिया लोगों ने ये रियलाइज़ करने के लिए, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं साउथ में, मैंने अपना करियर साउथ से शुरू किया था, और साउथ में तो स्क्रिप्ट ही हीरो होता है, वो कभी चेंज ही नहीं हुआ, तभी हमारी रीजनल फिल्म होने के बावजूद
वो फिल्म्स इतना बिजनेस करती हैं, यू नो मार्केट बहुत छोटा है बॉलीवुड के कंपैरिजन में. तो मैं तो हमेशा से ये बिलीव करती हूँ, और मैंने एक और चीज़ बिलीव करती हूँ कि कोई भी रोल छोटा या बड़ा नहीं होता है. जब आपकी फ़िल्म चलती है तो सबके लिए अच्छा होता है. मैंने ये अगर मैं बोलूँ कि भीखू माथरे, ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि फिल्म चली एंड किधर किसका लक, अपना जंगल से राजपाल यादव. सो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि फिल्म का चलना बहुत ज़रूरी होता है. और इवन जब मैं स्त्री में अपने रोल की बात करूं, स्त्री की बात कर तो मैंने जब फर्स्ट टाइम वो कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे फ़ोन करके बुलाया, ही इज़ अ डियर फ्रेंड ऑफ माइंड शिव, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोला एक दिन का काम है, राजकुमार राव की फिल्म है, तुम प्रोस्टिट्यूट का रोल है, आप करोगी? मैंने कहा लिसन, मैं एक दिन का काम नहीं करने वाली, तुम फ़ोन रख दो, मुझे फ़ोन भी नहीं करना, ये क्या मतलब है एक दिन का काम. ही से अच्छा चलो ठीक है. फिर दोबारा फ़ोन आया, बोला मैं एक ऐड की कास्टिंग कर रहा हूँ तो तुम कल आ जाओ. ठीक है, तो मैं वहाँ गई एंड मेरी एक और फ्रेंड है जो एड्स करती है, मैंने उसको देखा कि वो एक ऑडिशन दे रही है, और मुझे लगा कि वो प्रोस्टिट्यूट का रोल है. तो मैंने उसको बहुत जो सीन था, जो डायलॉग्स थे, जो यू नो उसका एक सीन का पैरामीटर्स इतने प्यारे थे. फिर एक मैम थी जो मदर के रोल के लिए थी, उनका ऑडिशन मैंने देखा. मैंने कहा यार ये वही फिल्म है ना? बोला हाँ. मैंने कहा ये मेरे को ऑडिशन देना. कहता पर वो रोल बढ़ने वाला नहीं है, वो एक ही दिन का रहेगा. मैंने कहा चलेगा, क्योंकि जो मैं सुन रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. और उसके बाद मैंने ऑडिशन दिया, मुझे बिल्कुल फ़ोन नहीं आया 15-20 दिन. फिर एक दिन शिव ने फ़ोन किया, बोला एक और रोल है फिल्म में, उसके लिए तुम्हें डायरेक्टर मिलना चाहते हैं. मैंने कर लिया, अभी एक दिन का था, उससे डिमोशन ही हो रहा होगा और छोटा रोल दे रहे होंगे, क्योंकि मैंने बोल दिया मुझे रोल पसंद है. गलती की, फ्लोरा कभी नहीं बोलना चाहिए. तो मैंने कहा अच्छा क्या है, कितने दिन का है? तो बोले 15 दिन. मैंने कहा व्हाट? कहता हाँ 15 दिन का है, टाइटल रोल है, बट सिर्फ एक प्रॉब्लम है, डायलॉग्स नहीं है. मैंने कहा चलेगा, मेरे को वो फिल्म करनी, क्योंकि जो मैंने वो वन डे का ऑडिशन किसी और का देखा था, मुझे पता था ये फिल्म, पता नहीं क्यों मुझे एक आई लव्ड इट. एंड अगेन मैं बोलूँ, हम फिल्मों को नहीं चूज़ करते हैं, फिल्म्स चूज़ अस, इट्स डेस्टिनी. क्योंकि अगर शिव उस टाइम एक मूवी और एक एड कास्टिंग नहीं कर रहा होता, मैं स्त्री नहीं कर रही होती, क्योंकि मैं स्त्री को मना कर चुकी थी डे वन पे. मेरा लक था या क्या था कि वो एड के लिए मुझे बुलाया गया, और वहाँ पे दोबारा मैंने किसी का ऑडिशन देखा. सो आई थिंक इट्स डेस्टिनी, काम आपको चूज़ करता है, सबका लिखा हुआ है कब कहाँ कौन सा काम, कौन सा इंसान. कितनी बार कास्टिंग होती है और शूट जाने से पहले वो यू नो कोई किसी रीज़न से कोई एक्टर छोड़ देता है, और फिर रीशफलिंग होती है. सो या सुपर मैम, गंदी बात की बात करें, क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं आपको, एक कॉम्प्लीमेंट जो बेस्ट हो सबसे, या फैंस के थ्रू या इंडस्ट्री के थ्रू, वो हमसे शेयर करें? सबसे मेरा फेवरेट कॉम्प्लीमेंट है, मैम आप माधुरी दीक्षित जैसे दिखते हो. ये तो इतने लोग बोल चुके हैं, और मुझे समझ नहीं आता मैं इसमें रिएक्ट कैसे करूँ. हाफ ऑफ मी, मैं बिलीव तो नहीं करती, मैम बहुत ज़्यादा गॉर्जियस हैं, तो मैं सिर्फ थैंक यू करके, यू नो मेरे पास वर्ड्स नहीं है, बिकॉज इट्स अ रियली बिग कॉम्प्लीमेंट. आई रियली लुक अप टू हर. और अगर ऐसे लोगों को 1% भी लगता है तो वेरी गुड. अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरे लिए गंदी बात इसलिए बहुत ही यू नो क्लोज टू माई हार्ट है, क्योंकि 10 साल के बाद अगर मैं अपना करियर ग्राफ देखूँगी, मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने सब कुछ किया. मैंने चुड़ैल भी किया जहाँ मुझे गंदा दिखना था, मैंने लक्ष्मी में प्रोस्टिट्यूट किया, हाईवे रॉबर किया धनक में, बेगम जान हो, या फिर ये हो जहाँ लेस्बियन एक रोल था जो मैं शायद नॉर्मली, आई थिंक वो एक बेटर एडवांटेज ऑफ बीइंग एन एक्टर है कि रियल लाइफ में आप जो जो चीज़ें कभी नहीं करोगे वो सब कर दो, चाहे वो आदमी उठाने वाली स्त्री हो या वो खुद यू नो एक somebody who has so many affairs with so many people. तो वो सबसे मज़ेदार चीज़ थी अबाउट गंदी बात. गंदी बात का फर्स्ट पार्ट आया था, वो इतना नहीं चला था, ये बोल सकते हैं, लेकिन हमें कुछ तो हिंस मिल गए थे कि इसमें वर्ल्ड सिंग करने होंगे, ये होंगे, और हमारी जो कल्चर है, मैं कल्चर कर रहा हूँ, काफ़ी कंसर्वेटिव हम ये बोल सकते हैं. तो फिर इस फिल्म को चूज कर, जब ऑफर मिला था आपको, कुछ माइंड में चल रहा था कि कॉन्ट्रोवर्सीज हो सकती है, ट्रोल हो सकते हैं? नॉट रियली, क्योंकि सीज़न 1 के लिए मुझे बुलाया था, तो वहाँ पे एक थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हुआ, जिसकी वजह से मैं वो सीज़न 1 नहीं कर पाई. और
जब सीजन वन में बहुत अच्छा चला था, यू नो आई थिंक फोर्थ हाईएस्ट इसके मुकाबले, ये तो मतलब किसी और लेवल पे चला गया. तो मैंने जब सीजन टू किया था, मेरा ये मानना था कि सीजन वन ने इतना अच्छा किया है तो मैं क्वेश्चन ही नहीं कर सकती कि मैं ये करूँ कि नहीं करूँ. कौन नहीं जाएगा हिट सीरीज़ का पार्ट होना, पर इतना ये उससे आगे ले जा, इतना ऊपर जाएगा ये हमने सोचा नहीं था. और बहुत खुशी होती है. और ऑल्सो मैं मानती हूँ कि सीज़न वन जब इन्होंने बनाया, वो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट सीज़न था, तो शायद क्यूरियोसिटी होगी लोगों की देखने के लिए. सीज़न टू का उतना ऊपर जाना शोज़, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि हमारे कंट्री में ये ऐसा चलना चाहिए क्या, ये इतना बोल्ड है. और फिर आप लोगों ने ही तो देख के उसको इतना, यहाँ सीज़न वन से सीज़न टू यहाँ आप लोग ही तो लेके गए हैं, तो लोग देख रहे हैं ना, तो वो तो क्वेश्चन ही गलत है. वो दैट सील्स द डिबेट कि क्यों किया या करना चाहिए था. तो लाइक्स तो आप लोगों ने ही किए हैं. सो आई थिंक जो लोग देखते हैं वही हम बनाते हैं, एंड लोगों ने इतना ज़्यादा उसको अप्रिशिएट किया है काम को, तो मोर सीजन्स टू कम. इस सीन के बारे में बताया भी था और काफ़ी अफसोस भी जताया, तो क्या कहना चाहेंगे आप? तो ये काफ़ी अफसोस होते हैं, कई तो फिल्में लीक हो जाती हैं. यस यस. तो अगर आपने बीच में पढ़ा हो, तमिल रॉकर्स करके एक वेबसाइट है, और पायरेसी का इशू तो काफ़ी रहा है जो हम लोगों ने बैटल किया है. स्टार्टिंग का जो वो एक सीन लीक हुआ था, हम लोग ऑफकोर्स हम लोगों को लगा कि ओ माई गॉड ये कैसे हो गया, क्योंकि जितना मैं जासवंत जो प्रोडक्शन हाउस है उनको जानती हूँ, ऑल बालाजी को जानती हूँ, दे आर वेरी यू नो स्ट्रिक्ट एंड प्रोटेक्टिव अबाउट देयर कंटेंट. तो कैसे हो गया हमको नहीं पता था. बट यस, जो लोगों ने ये पूछा कि यार तुम्हें कैसा लग रहा है, बट हमने तो वो काम किया है, तो हम चाहते थे कि आप वो एक पूरी कहानी की तरह देखें. ऐसा एक सीन देखेंगे तो शायद यू नो वो एक आपको लगेगा ओ माई गॉड ये क्या है. तो अगर आप उसको एक सीन की तरफ देखते हैं तो थोड़ा शायद आपको यू विल अंडरस्टैंड कि कॉन्टेक्स्ट उसका क्या है. वो सिर्फ एक लस्टी सीन नहीं है. और सॉरी सॉरी बोलो. कहाँ गए? अन्वेषी. इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी था, इस वेब सीरीज में लीक हुआ था एक सीन आपका लेसन सीन, अन्वेषी ने इसके बारे में बयान दे दिया था, काफी अफसोस हुआ, क्या कहते हैं इसके बारे में? तो हम लोगों को इनिशियल शॉक तो सबको लगा था कि ये कैसे लीक हो गया, क्योंकि जासवंत जो प्रोडक्शन हाउस है उन बालाजी आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट देयर कंटेंट. बट हमने ये सीन ज़रूर शूट किया था, तो इतना शॉकिंग ये नहीं था कि ये सीन ये क्या बाहर आ गया. शॉकिंग ये था कि ये कैसे बाहर आ गया इतनी जल्दी, क्योंकि हम चाहते थे कि वो लोग सीन टोटालिटी में देखें, क्योंकि वो एक लस्टी सीन नहीं है, एक बहुत सेंशुअल सीन है जहाँ पे ये दो लेडीज़ हैं जो अपने मर्दों से दुखी है अपनी लाइफ्स में, और कैसे वो एक दूसरे में लव ढूंढती हैं. एंड आई बिलीव लव हैज़ नो जेंडर. तो स्टार्टिंग ऑफ द सीन मैं उनको कुछ ऐसा बोलती हूँ कि यू नो मैं भी तुम्हारे हस्बैंड के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ. एंड फिर वो कैसे गुस्सा आता है, जो एक नॉर्मल शादीशुदा औरत को आना चाहिए, गुस्सा आता है, हम रोते हैं, वो मारना चाहती है मुझे, वो सीन वैसा जाता है. और फिर जाके हम एक दूसरे में प्यार ढूंढते हैं, क्योंकि हमको वो आदमियों से नहीं मिल रहा है. और यू नो जब मैं एज अ वुमन, जब हम आदमियों को डेट करते हैं या फिर आदमी जब लेडीज़ को डेट करते हैं और जब उनका हार्ट ब्रेक होता है तो हम किसके पास जाते हैं? आदमी अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं और हम अपनी गर्लफ्रेंड्स की तरफ टर्न होते हैं, बिकॉज हमारे आई थिंक हमारे रियल सोलमेट्स हमारी ही फ्रेंड्स, यू नो खुद की मदर्स सिस्टर्स फ्रेंड्स ये हैं, क्योंकि वो हमें अच्छे से समझ पाते हैं. तो अगर हम ऑपोजिट जेंडर को इतना प्यार देते हैं तो अपने जेंडर को तो हम ज़्यादा अच्छा समझते, बिना बोले भी कितनी सारे यू नो वी जस्ट अंडरस्टैंड ईच अदर. तो वो एक चीज़ थी हमको जो लगी कि यार वो लोगों को ना पूरा देखना चाहिए सीन, क्योंकि हमने रियली वो पुल ऑफ करना बहुत मुश्किल था. एक जब आप आदमी के साथ सीन करते हैं तो हाँ आप यू नो वो सब कर सकते हैं, सीड्यूसिंग सीन है, यहाँ पे वो था ही नहीं, उसका जोन ही वो नहीं था. उसका था कि लड़ाई झगड़ा मारपीट है और फिर आप जाके एक मोमेंट ऑफ गिवन होता है, विच वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू पोर्ट्रे, एंड आई थिंक वी डिड इट वेरी वेल. थैंक यू.
ये बोल सकते हैं वेब सीरीज जो है इंडियन सिनेमा का नक्शा ही बदल दिया है, ये बोल सकते हैं एक तरह से। कंटेंट अब लोगों को पसंद आ रहा है, प्लस लोग देखना चाह रहे हैं, कहीं भी ट्रेन में बैठ के कहीं भी देख सकते हैं, इस बारे में क्या कहते हैं? बहुत ज़्यादा फेस फॉर एक्टर्स, फॉर स्टोरी राइटर्स, फॉर डायरेक्टर्स, पूरा ही फेस चेंज हो गया है। मुझे राम गोपाल वर्मा सर ने बोला था एक बार कि एक मूवी में ना 2 घंटे के अंदर आपको एक्शन भी डालना है, रोना धोना, ड्रामा, प्यार, सॉन्ग्स, सब कुछ डाल देना है, तो बहुत उतने टाइम में सब कुछ बोलना है। टीवी में अगर आपकी TRP आ गई तो आपको वो ट्रैक को तो खींचना 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 है, फिर आप देखेंगे। ये एक मीडियम है जहाँ आपको जितनी कहानी आपको जितने लेंथ की बतानी है आप उतनी नहीं बताएं, जैसे बतानी है बताएं। और फर्स्ट सीज़न उतना इट्स अ लॉन्ग मूवी, दैट्स व्हाट आई फील। और जब वो ख़त्म हो जाए टेक अ ब्रेक, फिर उसको आप एक्सपेंड करें इनटू सेकंड सीज़न। एंड कमाल की बात है कि बहुत सारे, जैसे इनसाइड एज था, जैसे मिर्ज़ापुर था, सीक्रेट गेम्स में, यही सोच कि यार इतना अच्छा बनाया है, इसका क्या करेंगे, सेकंड सीजन में कहाँ तक खींच लोगे। एंड आई एम अ पार्ट ऑफ इनसाइड एज टू, एंड आई एम जस्ट अमेज्ड बाय द राइटर्स कि यार क्या सोच रहे हो, कहाँ थे अब तक। तो वो एक बहुत मज़ेदार चीज़ है कि इवन गंदी बात, सीज़न 1 के बाद सीज़न 2 कहाँ थे अब तक, क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे इससे पहले। सो वो बहुत ही मज़ेदार स्पेस फॉर एक्टर्स एंड वो लोगों के लिए जो कहानी बताना चाहते थे। शायद उनके पास ऑल्सो इंटरनेट हैज़ ओपन डोर्स, यू नो, कई स्टोरी राइटर्स और डायरेक्टर्स थे जिनके पास कहानी बहुत बढ़िया थी पर स्पेस नहीं था, ना पैसे इतने भी नहीं थे कि मैं रिलीज़ बना के उसको थिएटर तक लेके जा सकूं। तो उनके पास एक प्लेटफॉर्म है अभी कि आप अपनी कहानी बनाइए, लाइक शॉर्ट फिल्म्स जो लोग आजकल बना रहे हैं और कितनी चल रही है, तो कंटेंट अच्छा होगा तो लोग देखेंगे। हम ये भी बोल सकते हैं कि जैसे कि लोग पहले, हम ही यंगस्टर जो भी थे पहले, शाहरुख सलमान आदि की फिल्मों का वेट करते थे, अब यही, अब हमें भी चेंजेस आया और हम ये देखते हैं कि अब ये सीरीज कब आएगी, ये सीरीज कब आएगी। करेक्ट। तो इस सोच को चेंज करने के पीछे डायरेक्टर का कितना बड़ा हाथ है? पूरा टीम वर्क है आई थिंक। राइटर बहुत अच्छा लिख सकता है, डायरेक्टर बहुत अच्छा दिखाएगा जो एक्टर परफॉर्म, बिकॉज आई फील इट्स अ डायरेक्टर्स मीडियम। राइटर कितना भी अच्छा लिख ले, उसको जिंदा करने वाले डायरेक्टर ही हैं। और एक्टर भी चाहे आपको कितना बढ़िया मिल जाए, पर कई बार डायरेक्टर भी आपको बोलता है नहीं यार ऐसे नहीं करो, आप ऐसा करो, तो आप वैसे ही करते हो। तो आई थिंक इट्स अ डायरेक्टर्स मीडियम एंड बेसिकली आई थिंक द डायरेक्टर should be given all the credit for a good series and agar wo by chance thoda upar niche hoti hai to it is a lot of other factors also. Kai bar actors bhi aise nikalte hain jo bolte hain ki nahi sir aisa karke dekhe hain, to nahi, I'm just joking, but it is a director's medium and hats off to all the new ideas, new directors with new blood who want to prove a point, और उनको जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है, इट इज अ फैंटास्टिक टाइम फॉर ऑल एक्टर्स एंड राइटर्स एंड डायरेक्टर्स। साउथ का या बॉलीवुड वेब सीरीज, तो जरा कहां जा, ओह ट्रिकी क्वेश्चन। आई थिंक जहां सक्सेस मिलती है वहां पे आप ज़्यादा इंजॉय करते हो, तो इनिशियली मुझे साउथ में बहुत मज़ा आया था और अब बॉम्बे में बहुत मज़ा आ रहा है। हिंदी में देखो आर्टिकल था कि फिल्में आपकी लाइफ चेंज कर देगी, इस तरह के आर्टिकल में पढ़ा, क्या कहना चाहेंगे? ये मैंने कहा था? नहीं, मैंने नहीं शायद कहा होगा। मैं अभी भी ज़्यादा फिल्में करना चाहती हूँ, मेरे को नहीं लगता मैंने ज़्यादा कुछ किया है, बट लाइफ चेंज ज़रूर, इसका मैं क्या आंसर दूँ? मैं ये मानती हूँ कि इट्स अबाउट दैट वन फिल्म और वन सीरीज़ जो आपकी लाइफ चेंज करते हैं, क्योंकि आप यू नो बहुत सारा काम कर सकते हो पर अगर उसको सही रीच नहीं मिलती, सही रिलीज़ नहीं मिलता, तो आपको वो काम नोटिस नहीं होता। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ऐसा कुछ काम करें जहां आप नोटिस हो, क्योंकि बाकी सब छोड़ो, सक्सेस भी छोड़ो, एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी हाई यही है कि लोग आपको बोलें यार आपने वहाँ पर बड़ा अच्छा काम किया, चाहे आपका छोटा रोल हो। जब लोग आके बोलते हैं ओके, पूरे बड़े एक्टर्स को तो सारे लोग बोलेंगे आपने छोटा सा काम किया और लगवा के बनाया है, आपका काम बड़ा पसंद आया मुझे, तो वो सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ होती है। ओके, और क्या क्या आ रहे हैं बॉलीवुड साउथ?
ओके तो साउथ तो अभी मैं नहीं कर रही कुछ, पर इनसाइड एज सीजन 2 आ रहा है, आयशा माय वर्चुअल गर्लफ्रेंड सीजन 3 आ रहा है, एक वेब सीरीज है कार्टल करके ऑल्ट बालाजी के साथ, एक Z5 के लिए एक वेब सीरीज शूट कर चुकी हूँ, एक अभी स्टार्ट होने वाली है, वो भी बहुत मज़ेदार होने वाली है, और दैट्स इट। आप लोग ज़्यादा बिजी रहने वाले हो देखते देखते। Please go watch Gandhi Baat season 2. It's already out on Alt Balaji. And thank you for the amazing response. Also on 18th of Jan, please go watch Fraud Sahiya. It's a complete laugh riot. You're going to have a blast. Don't miss it. ऐसे और Bollywood के updates के लिए देखते रहिए Chillax.